क्या हो अगर आपको छोड़ दिया जाए ऐसे वर्ल्ड में जो कि पूरा का पूरा आयरन से भरा पड़ा है, मतलब आयरन ओनली वर्ल्ड में, तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग को पता नहीं है लेकिन मुझे सर्वे करने 100 डेज, वो भी आयरन ओनली वर्ल्ड में। और इस 100 डेज में मेरे कुछ गोल होने वाले हैं, जैसे कि एंडर ड्रैगन को मारना, अपने लिए एक डायमंड का आर्मर कंप्लीट करना और अपने लिए एक स्वीट सा हाउस बनाना। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, लेट्स एंजॉय दिस वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो डे वन को स्पॉन होते हैं, मैंने देखा कि मेरे सामने एक विलेज है। तो सबसे पहले मैं विलेज के अंदर पहुंचा। विलेज के अंदर पहुंचते ही मैंने देखा कि यहाँ पर एक ब्लैकस्मिथ भी है। तो सबसे पहले मैं ब्लैकस्मिथ के घर के अंदर घुस गया और उसकी चेस्ट को ढूंढने लगा। चेस्ट के अंदर मुझे कुछ यू सामान मिला जो कि मैंने सारा का सारा उठा लिया। उसके बाद मैंने बहुत सारे आयरन के ब्लॉक ब्रेक किए जिससे कि मुझे आयरन मिल सके। और फिर मैंने वुड का चॉप किया जिससे कि मैंने क्राफ्टिंग टेबल बना लिया। और फिर अब मैंने अपने आयरन ब्लॉक से आयरन इनगेट निकाल लिया और अपना आयरन का आर्मर फुल्ली कंप्लीट कर लिया। तो डे वन को ही मेरा आयरन का आर्मर कम्प्लीट हो गया था। उसके बाद मुझे मिल गया भाई शुगर केन, जो कि हमारे इस जर्नी के अंदर हमें आगे चलकर काम आएगा। थोड़ी देर के बाद मुझे और एक विलेज मिल गया, तो मैं पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा और फिर मैं विलेज के लिए निकल गया। तो जैसे मैं विलेज के अंदर पहुंचा कि मैंने देखा यहाँ पर एक रूइन पोर्टल है। तो जैसे मैं रूइन पोर्टल की तरफ जा रहा था, मैंने देखा यहाँ पर एक ब्लैकस्मिथ का घर भी है। तो सबसे पहले मैंने ब्लैकस्मिथ के घर को लूटना सोचा। तो चलो बॉस चलते ब्लैकस्मिथ के घर के अंदर। जैसे मैं ब्लैकस्मिथ के घर के अंदर चला गया तो मुझे चेस्ट के अंदर मिल गए सीधा 2 डायमंड। तो दोनों डायमंड को कलेक्ट कर लिया और थोड़ा बहुत खाना भी ले लिया, क्योंकि इस जर्नी में खाना बहुत ज़रूरी है। और सनसेट को देखने लगा। ऐसे करते करते मेरा डे वन ख़त्म हो गया और मैं चला गया सीधा सोने के लिए। डेटो को उठते ही मैं सबसे पहले रूइन पोर्टल के पास आ गया और उसकी चेस्ट में से जितना भी सामान मुझे मिल सकता था मैंने सारा का सारा कलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने बहुत सारी बकेट बना लिया और लावा को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मैंने क्राइंग ऑक्सीडन को ब्रेक किया जिससे कि मैं अपने नेदर पोर्टल को कम्प्लीट कर सकूँ। यहाँ पर मुझे कुछ गोल्ड ब्लॉक भी मिल गए थे, उनको भी मैंने कलेक्ट कर लिया। फिर मैंने फार्म से एक बकेट पानी ले लिया और अपना नेदर पोर्टल कम्प्लीट करना स्टार्ट कर दिया। थोड़ी देर में मैंने अपना काम नेदर पोर्टल कम्प्लीट कर लिया और फिर मैं चला गया सीधा नेदर में। फिर मैं नेदर के अंदर आ गया, इधर उधर देखना स्टार्ट कर दिया, कुछ दिखा नहीं और मुंह उठा के फिर से वापस चला गया, क्योंकि मुझे यहाँ पर डर लग रहा था। तो भाई डे 3 को मैं लग गया डर्ट कलेक्ट करने के लिए। उसके बाद मैंने बहुत सारे ट्री को चॉप कर लिया जिससे मुझे सैपलिंग मिल सके। फिर मैं एक जगह पर आ गया जो जहाँ पर मैं अपना बोरिया बिस्तर लगा सकूँ, मतलब चेस्ट वगैरह रख सकूँ। तो मैंने यहाँ पर अपनी चेस्ट निकाली और फिर मैंने यहाँ पर चेस्ट रख कर उसके अंदर अपना सारा का सारा सामान रखना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डिक कर लिया। डिक करने के बाद मैंने वहाँ पर वाटर मतलब डर्ट लगा दी और उसके बाद मैंने साइड में डिक करना फिर से स्टार्ट कर दिया। जहाँ पर मैंने डिक करके यहाँ पर मैंने वाटर डाल दिया और वहाँ पर मैंने शुगर केन भी लगा दिया। ये करते करते मेरा डे 3 भी ख़त्म होने को आया था, तो मैं चला गया सीधा सोने के लिए। डे 4 को उठते ही मैं लग गया ग्लोबल स्टोन जनरेटर बनाने के लिए। वाटर और लावा डाल के मैंने ग्लोबल स्टोन जनरेटर कंप्लीट कर लिया। अब मुझे उसका कलेक्टिव सिस्टम बनाना था, तो सबसे पहले मैंने ब्लॉक ब्रेक करके देखा तो अच्छे से काम कर रहा, तो मैंने हॉपर और चेस्ट बनाई और यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा दिया जो कि हमारा कलेक्टिव सिस्टम था। अब पता नहीं अपना आयरन फार्म का कलेक्टिव सिस्टम काम कर भी रहा था या नहीं, तो मैंने सबसे पहले एक ब्लॉक ब्रेक करके देखने का सोचा। तो जैसे मैंने ब्लॉक ब्रेक किया, पता नहीं कैसे मुझ में आग लग गई और खुद को बचाने के लिए मैं सीधा चला गया वाटर के अंदर। और हमारा वाटर पास में था इसलिए मैं बच गया भाई। फिर मैंने यहाँ पर डिक कर दिया और वाटर डाल दिया, पता नहीं कैसे आग लग रही थी। उसके बाद मैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर थोड़े थोड़े डर्ट ब्लॉक लगाने लगा जिसके ऊपर मैं सैपलिंग लगा सकूँ और सैपलिंग से ट्रिगर ग्रो होंगे और हमारी वुड की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो मैंने सैपलिंग भी लगा दिया था और ये करते करते मेरा डे 4 भी खत्म हो गया, तो मैं सीधा चला गया सोने के लिए। डे 5 को मैंने बहुत सारे काम किए, मतलब डे 5 से डे 12 तक मैंने बहुत सारे काम कर लिए। उसमें मैंने ब्रीडिंग करवा ली एनिमल से और फिर मैंने बहुत सारे ट्री ग्रो कर लिए, मतलब कट कर लिए। जो ट्री ग्रो हो चुके थे उनको भी कट कर लिया और विलेजर के घर के सारे वुड निकाल लिए। सारे का सारा घर मैंने उजाड़ दिया, पता नहीं किसका घर था। फिर मैंने सारे के सारे वर्क स्टेशन उठा लिए क्योंकि बॉस मुझे इन विलेजर को जॉब देनी थी। और फिर मैंने बहुत सारा ऊल कलेक्ट कर लिया क्योंकि मैं ऊल कलेक्ट कर ही जा रहा था। फिर मैंने एक एरिया बना लिया बहुत बड़ा और उसके अंदर मैं विलेजर लाना स्टार्ट कर दिया। एक एक विलेजर बहुत मुश्किल का काम है और बहुत टाइम लगता है। मेरी इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। तो फिर मैंने बहुत सारे विलेजर लाए, उनको काफ़ी सारी जॉब दे दी, काफ़ी सारे वर्क स्टेशन मैंने खुद से बनाए क्योंकि अपने पास बहुत सारा सामान था, इतना भी नहीं था। और फिर मैंने कुछ ब्लास्ट फर्नेस बनाए थे वो भी रख दिए और बहुत सारे मेरे पास स्मिथिंग टेबल भी थे वो भी रख दिए जिससे कि मुझे आर्मर मिल सके, वेपन स्मिथ मिल सके, टूल स्मिथ मिल सके और जिससे मैं अपना आर्मर कंप्लीट कर सकूं। उसके बाद मैंने बहुत सारे स्टिक्स बनाए जो कि मेरे पास वुड बचा हुआ था। उस स्टिक से मैंने एमरल्ड खरीदने का सोचा, तो मुझे टोटल कितने एमरल्ड मिलेंगे
तो टोटल मैंने 16 एमराल्ड खरीद लिए। और ये करते करते मैंने अपने एरिया को थोड़ा सा और एक्सपांड कर लिया, मतलब बड़ा कर लिया, और बेड भी काफ़ी सारे लगा दिए थे। अब मैं लग गया था इनको अपग्रेड करने के लिए, क्योंकि ये अपग्रेड होंगे तभी तो मैं इससे आयरन खरीदेंगे और आयरन के बदले मुझे बहुत सारा वो जो है एमराल्ड देंगे। तभी मुझे याद आया कि मुझे अपने लिए एक्सपी फार्म भी बनाना है। पूरे 4 दिन तक मैं अपने ग्लोबल स्टोन जनरेटर पर AFK था। मैंने कुछ इतना सारा सामान निकाल लिया था, मतलब पूरे करे इतने सारे ग्लोबल स्टोन मैंने कलेक्ट कर लिए थे। पता नहीं इतने कम पड़ेंगे या फिर ज़्यादा होंगे, कोई बात नहीं, अपना XP फार्म बनाना स्टार्ट कर देते हैं। काफ़ी देर मेहनत करने के बाद अपना XP फार्म रेडी था। तो मैंने सबसे पहले इन मॉब की कुटाई की, मतलब स्वागत किया, क्योंकि अपने वर्ल्ड में नए नए आए थे ना, इनका स्वागत तो बनता है भाई। मैंने अपना रोटम फ्लैश इस विलेजर को बेच दिया 2 एमराल्ड में, और जो अपने पास जो 16 एमराल्ड थे ना, तो वो मैंने सारे के सारे इस विलेजर पे खर्च कर दिए, जो अब मुझे आयरन के बदले में एमराल्ड दे रहा था। तो मैंने सबसे पहले अपने आयरन ब्लॉक से एमराल्ड, मतलब आयरन इनगेट बना लिए, और फिर मैं स्टेट ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। और मेरे पास जो वो थी उसको मैंने कम्बाइन कर लिया और फिर मैंने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। ये तो वो स्टार्टिंग थी, मुझे अभी बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करनी थी, बहुत ज़्यादा एमराल्ड इन लोगों को तो बेचने थे, लेकिन मुझे कोई भी अब भी सेकंड लेवल पे सेट नहीं मिला था, क्योंकि मुझे और ये था इसे मैंने सेकंड लेवल पे सेट कर दिया था, और इससे मैंने बहुत सारे एमराल्ड खरीदे जिससे ये मैक्स लेवल पे सेट हो गया, और मुझे ये डायमंड की एग्स भी दे रहा था। थोड़ी बात एमराल्ड का जुगाड़ करके मैंने इसे डायमंड की एग्स खरीद ली। अब मेरे पास डायमंड की एग्स भी आ चुकी थी। फिर मैंने इन विलेजर को बहुत सारे जो है एमराल्ड, मतलब आयरन बेचे, और इनसे बहुत सारे एमराल्ड खरीदे, और इनको मैक्स लेवल पे सेट कर ही जा रहा था, इनको अपग्रेड कर ही जा रहा था, और काफ़ी सारे मुझे डायमंड की चीज़ें मिल रही थी, लेकिन वो अभी लॉक थी और उनको मुझे अपग्रेड करना था, मतलब उनको अनलॉक करना था, उनको अगले लेवल पे सेट करना था, जो कि मैं कर ही रहा था आयरन बेच के। थोड़ी देर में एक बंदा मैक्स लेवल पे सेट हो गया था, मतलब एक नहीं 2 बंदे दे रहे थे, और एक बंदा मुझे लेगिंग्स दे रहा था, चेस्ट प्लेट दे रहा था, और दूसरा बंदा जो था मुझे डायमंड की एक बूट्स दे रहा था, वो था ये बंदा चश्मे वाला, तो इससे मैंने बूट्स भी खरीद लिए। लेकिन बॉस अभी तक मुझे कोई भी हेलमेट नहीं दे रहा था, और हेलमेट के लिए मुझे बहुत सारे एमराल्ड चाहिए थे। अभी तक मुझे बहुत सारे एमराल्ड मिल चुके थे, मतलब टोटल 56 एमराल्ड थे मेरे पास। अब मुझे डायमंड के टूल्स भी चाहिए थे, तो मैंने सबसे पहले एक सॉर्ड खरीद ली और एक एक्स भी खरीद ली, पता नहीं क्यों खरीदी लेकिन खरीद ली, अब है तो खरीद लेते। डे 40 तक मैंने अपने सारे के सारे आर्मर और टूल्स डायमंड के अंदर अपग्रेड कर लिए थे, बस हेलमेट बाकी था। तो मुझे चाहिए थे बहुत सारे आयरन इनगेट, फिर मैं ब्लॉक करने लगा, मतलब ब्रेक करने लगा आयरन के ब्लॉक को, जिससे कि मुझे आयरन इनगेट मिले और आयरन इनगेट से मैं बहुत सारी ट्रेडिंग कर सकूं। तो मैं इन विलेजर से बहुत सारी ट्रेड करने लगा। बहुत देर मेहनत करने के बाद फाइनली एक बंदा मिल गया था मुझे, जो कि अपना डायमंड का हेलमेट दे रहा था। तो मैंने अपना डायमंड का आर्मर पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब मैंने एक डस्टबिन बनाई थी, जिसके अंदर मैंने सारा का सारा सामान फेंक दिया एक्स्ट्रा वाला, और उसे फ्लिंट एंड स्टील से जला दिया, जिससे कि वो सारा का सारा सामान जल गया। फिर मैं आ गया अपने वुड फार्म की तरफ, जहाँ पर आकर मैंने बहुत सारे ब्लॉक को, मतलब वुड क्लिक कर लिया, क्योंकि मुझे अपने लाइक स्वीट सा हाउस बनाना था, जो बहुत छोटा था लेकिन वुड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। फिर मैंने अपनी सिल्क टच वाली पिकैक से बहुत सारे ब्लॉक ब्रेक किए, मतलब ग्रास ब्लॉक कलेक्ट कर लिए। उसके बाद मैंने अपना घर बनाना स्टार्ट कर दिया। मिलजुल के करते है काम खत्म। बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे। बॉब द बिल्डर हाँ भाई हाँ। बिल्जिट और बर्ड, ट्रैविस और स्पर्ट, दोस्तों का है जी ये प्यारा जमघट।
बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे, बॉब द बिल्डर हाँ भाई हाँ, बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे, बॉब द बिल्डर हाँ भाई हाँ। तो फाइनली बहुत देर मेहनत करने के बाद मेरा पूरा का पूरा घर रेडी है। और ये बहुत छोटा है, बस इसका गार्डन ही बहुत बड़ा है जिसके अंदर मैंने बहुत सारी डर्ट लगाई है। और यहाँ पर पिग्गी भी घूम रहे हैं, मतलब स्पॉन हुए अभी अभी। और यहाँ पर ये भैया अपना चेस्ट दरवाजे बंद करके दिखाता हूँ, यहाँ पर अपना कितनी कितने सामान है। और ये यहाँ पर अपने सारे के सारे बैरल्स, और ये बेड है जहाँ पर हम सोते हैं, लेकिन रात में सोएंगे अभी नहीं। तो हमने 50 डेज सर्वाइव कर लिए है, और आगे के 50 डेज हम अगले एपिसोड में सर्वाइव करेंगे। तो अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। और एक प्रॉब्लम है, इस वर्ल्ड में एंड पोर्टल ही नहीं है, तो क्या करूँ कमेंट जरूर करना। ओके बाय, मिलेंगे अगले वीडियो में।